थे, मैदान की तकरीर करते हैं। एक फोटो ये सामने की पब्लिक का, दो फोटो ले लो मोबाइल में। ये मिल्लत के लिए मुबारक और खुशी का मौका है कि जब चारों तरफ से मायूसियां हैं, अंधेरा है, तकलीफ है, दुख है, गम है, मुसीबत है, ऐसे वक्त में जब आलम इस्लाम शदीद बहरान में मुब्तला है, कोई खिता ऐसा नहीं है जहाँ लोग सुकून से, अमन से, कहीं जिस्मानी तौर पर भी तकलीफ में है, जहनी तकलीफ और अजियत तो तमाम दुनिया में है। ऐसे में अहमदाबाद की इस मुबारक सरजमीन पर, गुजरात की इस सरजमीन पर मुसलमानों का ऐसा इज्तिमा जहाँ सब इकट्ठे हैं, कम से कम स्टेज पर तो है, आज स्टेज पे हैं, कल को मजमे में भी हो जाए इंशाल्लाह। क्योंकि शुरुआत तो इन्हीं जिम्मेदारों ने करनी थी, वो इन्होंने कर ली, अब इस पर बाकी रहे, कैसे बाकी रहे। लोगों का ये मानना है कि बगैर मुखालिफत के हम बढ़ नहीं सकते। जब तक हम एक दूसरे की मुखालिफत नहीं करेंगे, तब तक हम अपना स्पेस, अपनी जगह, अपनी मकबूलियत नहीं बना पाएंगे। अब इस मुखालिफत को अगर महदूद कर लिया जाए और इख्तलाफ पर रोक दिया जाए तो अपना काम बन जाएगा। इख्तलाफ अलग चीज़ है और मुखालिफत अलग चीज़ है। इख्तलाफ तो कौम की ज़िंदगी की अलामत है और उलमा का इख्तलाफ तो रहमत है। उस इख्तलाफ को अपनी जगह रहने दिया जाए और मुखालिफत में किसी कीमत पर बदलने न दिया जाए। हिंदी में उसको ऐसे कहें कि मतभेद होना बुरा नहीं है, मनभेद होना बुरा है। तो ये बहुत मुबारक मौका है कि सब इख्तलाफ के बावजूद, बल्कि मुखालिफतों के बावजूद, कुछ लोग बुलाने के लिए तैयार हो गए और कुछ लोग आने के लिए तैयार हो गए। इसका मतलब यह है कि मिल्लत का दर्द और तक्वा लोगों के दिलों में अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मौजूद है। क्योंकि जो अल्लाह से डरेगा वो किसी से नहीं डरेगा। डर तो अपनों से होता है ना, कोई बात कहेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर मैं मुसलमानों की बात करूँ, मुसलमानों के हक़ की बात करूँ, मुसलमानों के हक़ के लिए लड़ाई लड़ने की बात करूँ, तो मैं सेकुलर ही रहूँगा ना, कम्युनल तो नहीं हो जाऊँगा, या हो जाऊँगा, कम्युनल हो जाऊँगा। मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ तो कम्युनल हो गया। अब अगर कोई हिंदू हिंदुओं की बात करे तो वो फौरन कम्युनल हो जाता है मुसलमानों की नज़र में। गौर करने की ज़रूरत है। हम बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ें और लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जब जहाँ तक होगा इंशाल्लाह। तो हम सेकुलर हैं
कोई राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़े तो वो कम्युनल हो गया। जरा गौर करने की जरूरत है, चीजों को उनकी जगह पर रखना। इन्होंने अच्छी तवज्जो दिलाई। मैं इस बात को इस तरह कहा करता हूं हमेशा, वो कुछ कुछ बातें लिखी हुई थी वो बाद में सुना दूंगा, इन्होंने छेड़ दिया है। ऐसा हुआ, ये जो मुल्क है ना हमारा मुल्क, तो मैं हमेशा इस जहां मुझे मौका मिलता है मैं इस बात को जरूर कहता हूं कि हम बाई चांस इंडियन नहीं है, बाई चॉइस इंडियन है। देखिए आप जरा गौर कीजिए, बहुत बारीक सी बात है और इसको समझ लेंगे तो हमें बहुत सारे मसाइल हल करना आसान हो जाएगा। एक तरफ कुरान की हुकूमत, निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामी रियासत, इस्लामिक स्टेट, मुसलमानों का इख्तदार, मुसलमानों का गलबा, मुसलमानों का निजाम, इस्लामी सिस्टम, इसका खूबसूरत, जज्बाती, दिल को छू लेने वाला, ईमानी हरारत वाला नारा था। उस नारे के मुकाबले में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हिंदुस्तान को इख्तियार किया, उसको छोड़ दिया, सारे नारों को छोड़ दिया और हिंदुस्तान को इख्तियार किया। तो क्या भूल हो गई थी हमसे, मिस्टेक हो गई थी हमारे बड़ों से, इत्तफाक से हो गया था, कोई गलती हो गई, समझ नहीं पाए, या उनके साथ जो लोग आजादी के दूसरे सूरमा थे, दूसरे मजहब के मानने वाले, उन्होंने बेवकूफ बना लिया कि नहीं तुम यहां ठहर जाओ, और हम उनकी बातों में आ गए। अगर ये था तो मायूस होना ठीक है, ये था तो फिर हमारा सोच, जो भी हम सोचे ठीक है, और अगर ये नहीं था तो हमें वापस जाना होगा। क्यों किया था ये फैसला? अगर वो सही थे तो हमसे क्या गलत हो रहा है? वो इसलिए सही थे कि उन्होंने इस्लाम को समझा था, इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग थे, इस्लाम की रूह और उसकी स्पिरिट को समझते थे। याद कीजिए उस किस्से को, नैनी में क्या हुआ था, एक ही जेल में, वो जेल की एक बैरक में एक मौलवी था और उसी जेल की उसी बैरक में गालिबन मूलचंद, पंडित मूलचंद था, नैनी जेल इलाहाबाद के, नैनी जेल, वो पंडित जी भी थे। 5 दिन के बाद वो पंडित जी ने एप्लीकेशन दे दी कि मैं इनके साथ नहीं रह सकता, मुझे दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए। जेल ने ट्रांसफर कर दिया उनको, दूसरे बैरक में पहुंचा दिया। तो जब मिलने जुलने का वक्त होता है तो किसी ने पूछा उनसे, पंडित जी से, कि ये दरखास्त आपने क्यों दे दी, आप अलग क्यों हो गए, तो अच्छे भले आदमी हैं, आप कुछ वक्त उनके साथ रह नहीं सकते थे, क्या परेशानी हो गई आपको? तो जवाब मालूम है आपको क्या दिया था उन्होंने? उन्होंने जवाब दिया, मैं इनके साथ नहीं रह सकता, अगर कुछ दिन और रह लिया तो मुझे इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाऊंगा, मेरा दिल बदलना शुरू हो गया। तो फैसला करने वाले वो थे और हम तो अपनों को ही बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपनों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहां से भी अगर हमारी मर्जी के खिलाफ कोई बात किसी ने कह दी तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हमारे यहां मेहमान आए वो भी अगर कोई हो और मर्जी के खिलाफ बात करे तो लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, लो जी इन्होंने क्या कह दिया, अरे भाई आप सुन तो लो,
मानो ना मानो सुनना तो चाहिए ही। अगर आप सुन भी नहीं सकते तो फिर आपको एक कामयाब इंसान और एक अच्छा मुसलमान बनने का हक कैसे रह जाता है अगर आप सामने वाले की बात सुन नहीं सकते। पैगंबर अली सलातु वस्सलाम तो लोगों की गालियां सुनते थे और इनाम देते थे। जब कमजोर थे तब भी और जब ताकतवर थे तब भी। सुमामा के साथ क्या हुआ था? वो तो ला करके कैदी था, उसको बांध दिया गया था। वो तो कैदी की हैसियत से था। पैगंबर अली सलातो सलाम कह रहे एक मरतब मेरी तरफ देख तो लो, और वो जवाब में गाली बक रहा है। वो कहता है नहीं देखूंगा। और फिर पैगंबर अली सलातो सलाम उसकी आजादी का हुक्म, वो तो समझ रहा था कि मुझे मारा ही जाएगा तो मरने से पहले अपने दिल का सब गुबार निकाल लूं जो उसके दिल में दुश्मनी भरी हुई थी, उसकी आजादी का हुक्म जारी करते हैं तीसरे दिन। और वो उसके बाद भी आजाद होने के बाद भी चेहरे मुबारक पर नजर डाले बगैर भागता है, और कुछ दूर जाने के बाद दिल में ख्याल आता है इतना सब कह रहे थे एक बार तो देख तो लूं। बस जो पलट के देखता है तो फिर वापस जाने की उसकी सब खत्म हो जाती है, आगे कदमों में पड़ जाता है। तो मैं जो मेरी बात का जो मकसद है वो सिर्फ एक है सारी गुफ्तगू का, कि अगर हमारा रवैया हमारा एटीट्यूड बदल जाए, झगड़ा रवैये का है। और ये इल्जाम लगाना बहुत आसान है कि साहब इस्लाम दुश्मनी में हो रहा है, इस मुल्क की आज भी खराब हो गए हालात बहुत, ये मानना पड़ेगा कि खराब हो गए हालात। लेकिन आज भी मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूं कि मुल्क की पूरी आबादी में से ऐसे लोग के जो हम अगर सोने का भी बन जाएं तो भी हमें माफ नहीं करेंगे 5-7% से ज्यादा नहीं। उसको वो बढ़ाने की फिक्र में लगे हुए हैं, वो जो 5-7% है वो अपने आप को 70% कर लेना चाहते हैं। हमारी तरफ से उनको फेल करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। हमने सबको एक लाठी से हांकने का फैसला कर लिया है। दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं, मेजॉरिटी ऐसी है इस मुल्क की जिसके दिल में दुश्मनी नहीं है। हाँ उससे में आ जाते हैं तो नाराज होकर के वो कुछ भी कर दो, वो एक टेम्परेरी पीरियड होता है कि उन्हें बहका लिया जाता है, गुस्से में आ जाते हैं, गुस्से में आकर के वो कुछ भी उल्टा सीधा जो भी होता है उनसे बन पड़ता है वो कर लेते हैं। लेकिन उनका मिशन नहीं है, उनका नजरिया नहीं है, उनकी सोच नहीं है। अब उनको गुस्से में आने से रोका जाए तो उसके लिए हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, वो तो नाक पे रहता है, बर्दाश्त ही तो नहीं। अच्छा ये कमजोरी की अलामत है, आपने देखा अपने बुजुर्गों को देखिए, बूढ़े लोग जो होते हैं हमारे कमजोर होते हैं बीमार होते हैं तो उन्हें गुस्सा ज्यादा आता है। बूढ़ों को बुजुर्गों को ज्यादा गुस्सा आता है, ये अल्लाह ताला ने निजाम बनाया, वो चिड़चिड़ापन आ जाता है कमजोरी की वजह से। बीमार को देखा, बीमारी कमजोर कर देती है आदमी को तो चिड़चिड़ा हो जाता है, जवान आदमी भी। पूरी कौम एक खास किस्म की कमजोरी और नफसियाती बीमारी में मुब्तला है। नतीजा यह है कि जब उस बीमारी में मुब्तला है, एहसास कमतरी में मुब्तला है, उस तकलीफ में मुब्तला है, एहसास मजलूमियत में मुब्तला है तो गुस्सा भी जल्दी आता है, गुस्से में भरी रहती है। हालांकि सब्र बर्दाश्त और तहम्मुल यह कमजोरी नहीं ताकत की पहचान है। फलाने ने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा, अरे भाई अल्लाह के बंदो उसने ऐसा किया कमजोरी में किया, वो उसकी कमजोरी है।
आपकी ताकत इसमें है कि आप बर्दाश्त कर लें, तहम्मुल का सबूत दें, ये आपकी ताकत की पहचान होगी। ताकतवर तो वही होता है जो गुस्से को पी जाए, यही तो पहचान बताई गई है ना हमें। ताकत की पहचान ये थोड़ी बताई गई है कि गुस्सा आ जाए तो गुस्से का इजहार भी हो जाए, गुस्से को दबा लेना पी लेना यही तो कमाल है। और वो इसके बरअक्स समझा जाता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमने अपने अकाबिर असलाफ हत्ता के जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को सुनने के लिए, सुन के खुश होने के लिए, बस इतना काफ़ी है हमारे पास। हमें मालूम हो गया कि ये किस्सा हजरत का था, हजरत की ये हदीस है, हजरत का आपने ये देखा और उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, कूड़ा फेंकने वालों को, रास्ते में कांटे बिछाने वालों को, बीमारी सुनी तो अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। तो अच्छा किस्सा है, सुनाने के लिए है ताकि दुनिया को हम बता सकें कि हमारे आका जिनके कदमों पर हमारा कुर्बान हो जाना हमारे लिए सआदत की बात है, हमारे आका ऐसे थे। बस बस सुना दो दुनिया को, अमल मत करो। अमल छोड़ दिया तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो लोगों के दिलों में मोहब्बत होनी चाहिए थी वो मोहब्बत चली गई, क्योंकि हमने रास्ते ही छोड़ दिया, तरीका ही छोड़ दिया, नाम ले रहे हैं तरीका छोड़ दिया। मैंने इस अहमदाबाद की सरजमीन को मुकद्दस सरजमीन का से शुरुआत की थी अपनी बात की। इसमें किसी को कोई शक है? कोई शक नहीं होना चाहिए। ये हमारा मैदान अमल है, हिंदी में कहते हैं कर्म भूमि। कर्म छोड़ दिया, भूमि रह गई है, उसे कर्म को अपने काम को अपनाना है हमको। ये हमारा मैदान अमल है, ये मुल्क भी मैदान अमल, मेरे लिए तो ये मुल्क भी मुकद्दस है, ये मुल्क मुकद्दस मुल्क है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझको यहाँ पैदा किया, हम सबको यहाँ पैदा किया और हमारे लिए इस मुल्क को मैदान अमल बनाया। वहाँ से छोड़ करके यहाँ आए थे, इसलिए थोड़े ही आए थे कि इसको ख़राब जगह समझते थे। ये उनका मैदान अमल था और हमारा भी मैदान अमल है। और लाखों लोग जिस रास्ते से गुजर गए, जिस रास्ते से गुजर गए, उस रास्ते में खुशबुएं फैल गईं और लोग ईमान लाते चले गए, तौहीद का नूर फैला दिया। अल्लाह के जो लोग कहां सर झुकाते थे, परवरदिगार आलम के सामने सरों को झुकवा दिया। एक आदमी नहीं है, एक हजार नहीं, एक लाख नहीं, नब्बे लाख की तादाद मनकूल है हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के। अभी किसी साहब के कहने में 90,000 हो गया था, इसलिए मैंने 90 लाख का जिक्र किया। और मैं ये भी कहना चाहता हूं इसी के साथ, जब महरूमी के एहसास का जिक्र होगा तो इसका जिक्र जरूर होगा कि हमें ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हमारा कनेक्शन किसी बादशाह से नहीं है। हमारे पास ईमान बादशाहों के जरिए से नहीं आया है। हमारे लिए बादशाहों, मुसलमान बादशाहों ने यहां पे हुकूमत की, हां की, लेकिन मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं असली बादशाह तो वो थे कि जिनके चेहरे अनवर को लोग देखते थे, जिनके साथ मुआमला कर लेते थे, तो वो इस बात पर मजबूर हो जाया करते थे कि उनके रास्ते पर चले। सबसे पहली मस्जिद इस सरजमीन पे जो बनी है, याद रखिए, वो केरला की बनी है।
उसको तकरीबन 1400 साल हो गए उस मस्जिद के की बुनियाद को, इमारत की बात नहीं करता, मस्जिद की बुनियाद की बात करता हूं। उस वक्त कोई बादशाह नहीं था यहां, कुछ अल्लाह वाले, कुछ मुसलमान कारोबार करने के लिए यमन से कश्तियों में बैठ करके यहां आ गए और उस किनारे पर आकर के अपना कारोबार, अपना सामान बेचना लेना देना शुरू कर दिया। वो तो बेसरो सामान थे, ना उनके पास हुकूमत थी, ना फौज थी, ना हथियार थे, ना अफराद थे, वो तो थोड़े से लोग थे। पूरे पीरियड में अगर देखा जाए तो वो चंद सौ से ज्यादा तादाद उनकी नहीं थी। जो मामला कर लेता था मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाता था, जबान नहीं जानते थे, बिल्कुल अजनबियत थी, इलाकाई अजनबियत थी, जबान की अजनबियत थी, मजहब की अजनबियत थी, रस्म व रिवाज की अजनबियत थी, खान पान की अजनबियत थी, कितनी सारी अजनबियतें थी। और वहां का राजा ईमान लाने पे मजबूर हो गया। किसी ताकत ने मजबूर किया, किसी तलवार ने मजबूर किया था, उनके अखलाक ने मजबूर किया था। अभी परेशानी में है, इख्तलाफ का मामला है, कयादत का फुकदान है, फला है फला है, बहुत सारी बातें हैं। जो काम है वो बंद कर दिया, हमारे करने का काम हमने बंद कर दिया। और दूसरों के की तरफ हमारी निगाहें हैं। और सियासत में भी ऐसे ही हो रहा है। एक से दुश्मनी हो गई है और जिनसे दोस्ती है उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, वो कहते जाएंगे कहां ये। जाएंगे कहां ये। तो सबसे खसारे का सौदा हमने किया है। क्यों किसी से हमारी दुश्मनी है और क्यों किसी से हमारी दोस्ती है? ना हमारा कोई दोस्त है ना हमारा कोई दुश्मन है। हमारा दुश्मन तो कोई हो ही नहीं सकता। जब कोई पैगंबर अलैहिस्सलाम का दुश्मन नहीं हो सका तो हमारा कोई दुश्मन क्या हो सके। उन्होंने तो जो मोस्ट वांटेड लोग थे उनके बारे में ये डिक्लेयर किया था कि ये भी माफ है और जिसको ये माफ कर दे वो भी माफ है। मक्के के मोस्ट वांटेड लोग थे वो। आज जमाना, आज को वो तो जाहिलियत का जमाना है, आज तो बड़ा इनके बकौल है। आज की तारीख, आज के जमाने को अगर आप देखें तो ये कहते हैं कि ये बड़ा सिविलाइज्ड जमाना है, बड़ी सिविलाइज्ड दुनिया है, कोई पूछने वाला नहीं है कि वो जो आम साफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर तुमने इराक पर चढ़ाई की थी उसमें से कितना निकला, पूछने वाला नहीं है कोई। और मजे की बात, कब्जा करने के बाद 60 लोगों की लिस्ट निकाली थी, कुछ को नाम निहार ट्रायल करके और कुछ को बिना ट्रायल के मार दिया। ये मोस्ट वांटेड लोग हैं तो दुनिया ने भी मान लिया कि हाँ ये क्रिमिनल हैं, अब मुकदमा चला के मारो या बगैर मुकदमा चलाए मारो, मार दो बस इन्हें। वो मक्के मुकर्रमा 1400-1500 साल पहले वापस जाइए। और जब एक सहाबी ये फरमाते हैं अल यौम यौमुल मलहम, आज तो बदला लेने का दिन है, काटने का दिन है, मैं कसम खा करके कहता हूं उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, हक बात कही थी, कोई गलत बात नहीं कही थी, क्योंकि उनके साथ जो हो चुका था तो
तो ये मक्के के मोस्ट वांटेड लोगों के साथ तो वही होना चाहिए था जिसका जिसका ऐलान उन्होंने किया था, लेकिन हमारे आका पर कुर्बान चाहिए जबान से, अमल से नहीं, जबान से कुर्बान चाहिए। हम माफ करिएगा, ये तो रियलिटी है भाई। मामूलात की सुन्नतें पकड़ ली, मामूलात की सुन्नतों को भूल गए। मामूलात कुछ है ही नहीं जिसके बारे में पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अल्लाह माफ नहीं करेगा, मामूलात को अल्लाह माफ नहीं करेगा। इबादात में माफी मुमकिन है, अल्लाह ताला चाहेंगे तो माफ कर देंगे, तुम्हारी नमाज से कसूर हो गया अल्लाह चाहेंगे तो माफ कर देंगे, इंशाल्लाह कर ही देंगे अगर तौबा हो गई ठीक से। पर मामलात में खाली तौबा करने से भी काम नहीं चलेगा, मामलात को सुधारना पड़ेगा। भूल गए तो कुर्बान जाए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस पाक हस्ती पर। क्या फरमाते हैं, झंडा ले लेते हैं नागवारी के साथ, झंडा ले लेते हैं उनके हाथ से और ऐलान होता है। वो ऐलान रहती दुनिया तक बाकी रहेगा, याद रखिएगा। दुनिया की कोई ताकत, कोई सिविलाइज्ड सोसाइटी और कोई शख्सियत ये मिसाल कायम नहीं कर सकती जो उस दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की। उनके मानने वालों ने भी भुला दिया उसे। वो दिन रहमत का दिन है, आज तो अफ्व दरगुजर का दिन है, आज तो मेहरबानियों का दिन है, आज तो बख्शिशों का दिन है। जाओ ऐलान कर दो, मन दखल दार अबी सुफियान फहुआ आमिन। अबू सुफियान कहते हैं यकीन नहीं था, कह ये ऐसा हो नहीं सकता, दिन को रात हो सकती है लेकिन ये कैसे हो सकता है कि अबू सुफियान को माफ कर दिया जाए। और यही नहीं, अबू सुफियान को ये रुतबा अता कर दिया कि उसके घर में भी जो चला जाएगा वो भी माफ। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हम यहां जमा हुए हैं इन औलिया अल्लाह की याद करने के लिए। अब ऐसा याद करना जिसमें दिमाग तो हो और दिल ना हो, दिल की ज़रूरत है। ये सच्चे जानशीन थे, वारिस थे अंबिया के, यही वारिस थे अंबिया के। उनकी मेहनतों ने हमको ईमान से रोशनास किया, हम तक ईमान पहुंचाया। बहुत अंधेरा था यहाँ पर, ये रोशनी उन्हीं के हाथ से पहुंची इस मुकद्दस सरजमीन पर। और वो रोशनी हम बुझाने पे लगे हुए। माफ करिएगा मैं बार बार आप ही की तरफ आ रहा हूं। क्या इस्लाम का चिराग कोई गुल कर सकेगा? क्या किसी के दिल में ये ख्याल है, ये डर है किसी मुसलमान के दिल में कि हालात इससे भी 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना खराब हो जाएं तो गुल हो जाएगा चिराग? नहीं हो सकेगा इंशा। तो फिर मायूस क्यों होते हो? हौसला बुलंद रखो। मायूस अगर होना है तो इस बात पर होना चाहिए कि रास्ता छोड़ दिया हमने। दुख होना चाहिए तो इस बात पर होना चाहिए कि हम वो तरीका नहीं अपनाए उसे। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज हम ये अज़्म करें, अगर ये हम अज़्म करने में कामयाब हो जाए कि ना हम मायूस होंगे, ना डरेंगे, ना दबेंगे। लेकिन दबने का मतलब ये नहीं है कि आस्तीन चढ़ा के खड़े हो जाएंगे, दबने का मतलब ये है कि गुस्सा नहीं करेंगे। जहां गुस्सा किया हम दब गए क्योंकि कमजोर हो गए, ताकत पैदा करेंगे अपने अंदर, समझेंगे कि प्लानिंग क्या हो रही है, कोई बात कही जा रही है, कोई बात की जा रही है, कोई भी मामला किया जा रहा है। मैं कानून बनाने वालों से कहना चाहता हूं, तुम कानून बनाओगे, हम मोहब्बत के साथ मुस्कुराकर उस कानून को तोड़ेंगे। हर चीज पे सौदा हो जाएगा, हर चीज मंजूर है, ईमान के ऊपर हर्फ नहीं आने।
मैं उस कानून की बात कर रहा हूं जिसकी वकालत औरतों की, मुसलमान औरतों के लिए बहुत तकलीफ है, होनी भी चाहिए, बेचारी मजलूम है, लेकिन थोड़ा बेचारे का भी ख्याल कर लो। पर वो तो उनको कह रहा हूं, पर आपसे कहता हूं कि उस बेचारी को बेचारी बनने नहीं देना चाहिए। लोगों को मालूम होना चाहिए कि तलाक देने का क्या तरीका होता है। और अगर मुसलमान बेरहमी के साथ, जानवरों के साथ बेरहमी का मामला करेगा, वो भी बख्शा नहीं जाएगा, याद रखिए। हम अपने उन जानवरों के साथ जिनको ला करके पालते हैं, खुदा ने जिनको हमारी गजा के लिए पैदा किया, हम उनके साथ भी बेरहमी और बहीमियत का मामला करते हैं। हमने सुधारने के लिए अपने आप को तैयार नहीं, बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ताला क्यों माफ करेंगे? अल्लाह की मखलूक है वो भी अल्लाह की मखलूक है। उसकी तरफ से हमने आंखें बंद कर ली, गुस्सा आ जाता है तो औरत को एक साथ तीन तलाक दे देंगे, वो वाकई हो जाएगी, लेकिन वो मकरूह, कबीह, शनीह, नाकाबिल नफरत अमल है। जितनी नफरत करी जाए इस काम से वो कम है। मैं तो ये कहता हूं कि जो इस तरह से हराम तरीके से बिदअत करे उसको सजा होनी चाहिए। समाज को, कानून ये लोग बनाए ना बनाए, समाज की तरफ से बायकॉट का फैसला होना चाहिए। ऐसे आदमी से कोई गुफ्तगु नहीं करी जाएगी, कोई मामला लेन देन नहीं किया जाएगा जो इस तरह से हराम तर। अरे भाई, ये बिल्कुल फितरत है कि एक मर्द और एक औरत को एक जगह रखा गया, उनकी निकाह हो गया, साथ रहने लगे। अब बात ना बने तो तरीके से आप करिए, अपने बुजुर्गों को, उस खानदान के, दोनों खानदान के बुजुर्गों को बीच में डालिए, अपनी बात रखिए। ये क्या कि आपको सब गुस्से में दे दिया। गुस्सा क्या होता है? उसी गुस्से की वजह से तो अनफुन फिल्मा व इस्तुन फिस्समा, नाक पानी में है और सुरीन आसमान पे है। जिल्लतें ओढ़ रखी हैं तो क्यों नहीं मौका मिलेगा? आप मौका देंगे और दूसरे से शिकायत करेंगे, ये कैसे हो जाएगा? और हम उलमा की जिम्मेदारी भी है, ऐसा निकाह हरगिज ना पढ़ाएं जहां उनको निकाह के आदाब और तलाक और जिंदगी के आदाब और जिम्मेदारियां ना सिखाई गई हो पहले से। ये क्या कि जो आ गया जाहिल झपट और उसको उठा के निकाह पढ़ा दिया, उसे मालूम ही नहीं है कि निकाह का क्या मतलब है और तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां आई हैं, क्या फराइज है तुम्हारे, क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है। तो अब मैं आप लोगों से बात करता हूं तो सब खामोश हो जाते हैं, अभी वो सरकार से बात करने लगूंगा तो सब खुश हो जाएंगे, है ना? यही बात है ना, वो तो वो जो सुनना चाहते हैं वो सुनाया जाए। मैं ये कहा करता हूं कि मुसलमान आगे चलते हैं, मुसलमानों की क़यादत उनके पीछे चलती है। मर्जी के खिलाफ बात ना सुनने को लोग तैयार हैं, ना मानने को तैयार हैं, ना करने को तैयार हैं। अच्छा, वो चाहे कुरान ही की क्यों ना हो। बहरहाल, मैं जमीयत उलमाए अहमदाबाद को, जमीयत उलमाए गुजरात को मुबारकबाद दूंगा, और ये हजरात को ख़ास तौर से, चूँकि बुलाना आसान है चलकर आना मुश्किल है, इस माहौल में जब नफरतों की दीवार खुद मुसलमानों के बीच में खड़ी कर दी गई हो मसलक के नाम पर, अकीदे के नाम पर, तो जो हजरात भी तशरीफ लाए वो बुलाने वालों से 100 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा और भी जितना करते हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और हम सब लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को लूज़ नहीं होने देना चाहिए किसी कीमत पर, बल्कि इसको मल्टीप्लाई करना है। ये जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बाद मुतमईन होकर बैठ नहीं जाना है कि बस हो गया काम, इकट्ठे हो गए। नहीं, अभी इकट्ठे नहीं हुए हैं, अभी तो बिस्मिल्ला हुई है। अल्लाह मियाँ इस बिस्मिल्ला को आखिर तक अच्छे से पहुँचाने की और आगे ले जाने की तौफीक हम सबको अता फरमाए, साजिश से बचाए। अभी साजिशें शुरू होंगी,
अच्छा वहां गए थे, अच्छा तुमने उनको बुलाया था, देखा वो क्या कह गए अपनी तकरीर में, इसीलिए बुलाया था तुमने कि फलाने हजरत का नाम सुन लो तुम, मैं नहीं लेना चाहता हूं उसको, उस तरह से कहना नहीं चाहता हूं, माफ करिएगा आप हजरत इसको। अच्छा इसीलिए तुम सब जमा हुए थे सारे देवबंदी लोग, ऐसा था वैसा था, कोई देवबंदी देवबंदी बरेल भी कुछ नहीं, मुसलमान है इंसान है, बुनियादी सबक इंसानियत का है। अगर इंसानियत जाया हो जाएगी तो इस्लाम कैसे बचेगा हमारा, इस्लाम की पूरी बुनियाद इंसानियत पर रखी हुई है और सारे इंसान अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह ताला अगर हमारे नेक अमल की वजह से उनमें से किसी एक को भी हिदायत नसीब हो गई तो हजरत अली से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। अभी तो हमारा हाल ऐसा हो गया कि हमारा खुद का ईमान खतरे में पड़ा हुआ है, और जब तक हम दूसरों की फिक्र नहीं करेंगे तब तक हमारा ईमान उस हालत में हमारे पास बचाए जाने की गारंटी नहीं है। फिक्र करनी है अपने दिल में। हम यहाँ इस्लाम इस्लामी सल्तनत बनाने के लिए दुनिया में हमें नहीं भेजा गया, इंसानियत को रास्ता दिखाने के लिए पैगंबर अली सलातु वस्सलाम ने पूरी हयात मुबारक में एक ही बस फिक्र थी अल्लाह के बंदों के, उम्मत की फिक्र थी अल्लाह के बंदों की फिक्र थी, अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे। जुल्म करने वाले पत्थर मारने वालों के बारे में फरमा रहे हाँ इनको नहीं मिला, हो सकता है इनकी नस्लों में किसी को मिल जाए। अल्लाह ताला हमें इन अकाबिर और बुजुर्गों के असलाफ के रास्ते पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।